वित्त मंत्री अरुण जेटली के आम बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सराहना करते हुए बजट की तारीफ की है। धूमल ने कहा कि बजट समाज के प्रत्येक वर्ग को राहत देने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने कहा कि इस बजट में स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर शिक्षा जगत, सड़क और परिवहन सेवाओं के लिए बजट का जमकर प्रावधान किया गया है। धूमल ने कहा कि बजट में कुल मिलाकर सारे समाज के प्रत्येक वर्ग को राहत देने का प्रयास किया गया है। धूमल ने बजट को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और कहा कि केंद्र सरकार के अंतिम बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सामान्य नागरिकों के लिए भी बजट में प्रावधान किया है, जो कि सराहनीय है। आज मोदी सरकार का आम चुनाव से पहले पूरा बजट 2018-19 का जो श्री अरुण जेटली जी वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है वो सराहनीय है। समाज के प्रत्येक वर्ग को राहत देने का प्रयास किया गया है। हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद सरकार ने अब दूसरा लक्ष्य अपने सामने रखा है, ईज ऑफ लिविंग, ताकि सामान्य नागरिक आसानी से रह सके, जी सके। इसलिए बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए और स्वास्थ्य सेवाएं आम नागरिक को उपलब्ध करवाने के लिए बहुत ज्यादा धन का प्रावधान किया गया है। और मैं मानता हूं जो सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 रुपए तक के ब्याज पर टैक्स खत्म कर दिया गया है वो भी स्वागत योग्य है। जो पहले लिमिट 10,000 थी वो 50,000 हो गई। कुल मिलाकर पूरे बजट पर अगर नजर डालें तो सारे समाज के प्रत्येक वर्ग को राहत देने का प्रयास मोदी सरकार ने किया। विशेषकर छोटे उद्योगों को भी लाभ देने की कोशिश की है ताकि वहां पर भी रोजगार जुटे और हमारे बेरोजगार नौजवानों को उसमें रोजगार मिल सके। मैं इसका स्वागत करता हूं, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं।